फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो हाउस वायरिंग की पार्ट टू वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम केसिंग केपिंग वायरिंग को कंप्लीट सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हम लोगों का होता है सामान कैसे लिस्ट बनाया जाता है, किस जगह पर क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में बता रखा है। अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो सब कुछ आ जाने के बाद, सामान वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद, अब आपको क्या करना है, दीवार के ऊपर पहले धागा लगाना होता है, यानी निशान बनाना होता है कि आपको जो केसिंग केपिंग लगाना है वो किस किस रास्ते से आपका जाएगा। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बोर्ड के लिए है, चार्जिंग बोर्ड यहाँ पर लगने वाला है अलमारी के बगल में, और यहाँ पर ये लाइन के ऊपर हमने छोटे छोटे बिंदी बना रखा है, यानी कि यहीं पर हमें होल करना है। ये जो लाइन बनाया गया है वो कलर ले करके उसमें धागा लगा करके हमने सीधा लाइन बनाया है। आपको हर हाल में यह जो लाइन है सीधी रखनी है, चाहे आप जिस भी तरह से रखिए, लेकिन यह जो लाइन दीवार पर बनेंगी वह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, पूरी तरह से लाइन बनाया, और लाइन बनाने के बाद सभी लाइन के ऊपर छोटा छोटा बिंदी लगा दिया, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े हमें आर पार दीवार को होल करने की, वहाँ पर हमने होल भी किया। और इस तरीके से हमने ये पहला वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया, यानी कि पहले जो हमें धागा लगाना है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जो है कि जो हमने धागा मारा था, यानी कि जो लाइन बनाया था, उसी लाइन के ऊपर हमें ड्रिल मारना होता है। और ये जो ड्रिल मारा जा रहा है, दो जो ड्रिल के बीच की दूरी है लगभग 1.5 से 2 फीट के बीच होनी चाहिए। अब इससे अधिक रखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो कम से कम 1.5 फीट या 2 फीट के बीच में ही रखें। और इस तरीके से हमने क्या किया, ड्रिल लगाया। ड्रिल लगाने के बाद हमने उस होल में गुल्ली लगाया। गुल्ली क्या होता है, उसी को हम लोग रावल प्लग भी बोलते हैं, या उसी को पीवीसी गुल्ली बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने गुल्ली लगा दिया, जिधर जिधर हमको पट्टी चाहिए उधर उधर हमने लाइनिंग लगाया और उसमें जो है कि गुल्ली ठोक लिया। तो इस तरीके से हमने दूसरा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया। और वो चीज़ें जो है नीचे जिस तरीके से हमने किया, जस्ट ऊपर वाला एक कमरा आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था, उस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद का प्रोसेस होता है उसके ऊपर केसिंग लगाना। ये जो है इसको केसिंग बोला जाता है, और केसिंग में ये जो कॉर्नर पर आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऊपर नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, या फिर दो आप आपस में जोड़ लगा रहे हैं वह भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा लगाया। और उसके बाद जो है, जो भी आप जंक्शन लगा रहे हैं पट्टी के ऊपर बल्ब के लिए, तो वह जो जंक्शन होगा वह पूरी तरह से नहीं ठोकना है, आधा जो है कि बस ठोकना है, ताकि जब उसमें तार चला जाए उसके बाद जो है कि उसको पूरी तरह से ठोक दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हर एक कमरे में हमने जो पट्टी मारना था वो पूरी तरह से मार लिया, कंप्लीट कर लिया। और इसमें पट्टी मारते समय वाशर और स्क्रू दोनों विशेष तौर से लगे होना चाहिए, वाशर लगना चाहिए ताकि आपका जो पट्टी है बिल्कुल मजबूत हो जाए, और वो तार खराब हो जाए, वायरिंग खराब हो जाए, आपकी पट्टी जो है गिरनी नहीं चाहिए। इस तरीके का आपको वायरिंग कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ ऊपर नीचे जो भी था हमने कमरे में सब कुछ जो है ये पट्टी वगैरह लगा दिया, और उसके नीचे नीचे जितना भी हमें बोर्ड लगाना था बोर्ड भी हमने कम्प्लीटली सभी जगह पर लगा लिया। चलिए हम इसको ऊपर के तरफ भी देख लेते हैं। ऊपर के तरफ भी ये प्रोसेस कम्प्लीट कर लिया गया। हमने पहले धागा लगाया, उसके बाद जो है कि उस पर लाइनिंग बनाया, मतलब जो बिंदी लगाया, उसके बाद उस पर ड्रिल मारा, ड्रिल मारने के बाद उसमें गुल्ली लगाया, उसके बाद सारा पट्टी ठोक लिया। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे वायर डालना। वायर डालने के लिए ये जो दरवाज़ा है यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं। दरवाजे के ऊपर जो छज्जा है यहाँ पर 6 जो है कि छोटी छोटी डीप लाइट, यानी कि जो कलरफुल लाइट होती है वो लगने वाली है, और कंडीशन ये है कि ये 6 की 6 लाइट जो है एक ही स्विच से ऑन या ऑफ होने वाली हैं। तो इनका मतलब ये है कि सभी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने के बाद आपको दो तार यहाँ से ले लेना है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लाइट भी बिल्कुल सही तरीके से लगवा दिया है, पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ कंप्लीट करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक पट्टी गई हुई है और इस पट्टी में आपको दो तार देखने को मिलेगा, एक में न्यूट्रल और एक में फेज। यहाँ से जाएगा तो हमारे दरवाजे के ऊपर लगे लाइट जो है कि जलने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको स्विच लगाना है उस दरवाजे वाले लाइट का। अब यहाँ देख सकते हैं कि दो तार आया और आगे की तरफ हमको एक बल्ब लगाना है, तो यहाँ से एक तार एक्स्ट्रा बढ़ेगा। न्यूट्रल का तार हम काट करके बल्ब में देंगे और फेज का तार यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा बोर्ड के अंदर। तो इस तरीके से ये चीज़ आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। अब जो है कि हम कमरे के अंदर चलते हैं और कमरे में हमें एक स्विच बोर्ड से लेकर के चार्जिंग बोर्ड तक का फेज न्यूट्रल पहुंचाना है। तो हमारे पास एक ही बंडल तार था, यानी कि दो कलर के तार नहीं है, तो हम एक ही बंडल के तार को हम एक बार नापेंगे और उसका डबल करेंगे। और डबल करने के बाद जो है हम उस चार्जिंग वाले बोर्ड के पास से दो तार डाल करके और बाकी का जो तार है उसको हम इस पट्टी के रास्ते उस चार्जिंग मतलब कि वो स्विच वाला बोर्ड है वहाँ तक पहुँचाना है। ये जो दो तार है उसको हम आवश्यकता के अनुसार नीचे के तरफ निकाल लेंगे, यानी कि छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने तार लगा लिया। अब यहाँ पर ये जो दो तार है, इस दोनों तार में से एक तार में हमें न्यूट्रल के लिए कलर लगाना है, यानी टेप लगाना है, क्योंकि कलर तो एक ही है, दो कलर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, हमको निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग कलर नहीं हो करके एक ही कलर है, तो हम एक में हम टेप लगा लेंगे। उसके बाद वहाँ से हम आ रहे थे, रास्ते में हमें मिल गया ये वाला बल्ब, यानी जंक्शन मिला, यहाँ पर हमें बल्ब लगाना है। अब बल्ब लगाना है तो यहाँ से तार बढ़ेगा। अब वो तार कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, उस चीज़ को हमें बारीकी से समझना है, क्योंकि इसी तरह से आपको वायरिंग करना है, किस जगह तार घटाना है, किस जगह बढ़ाना है। ये चीज़ यदि आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तार है और दो तार में जो हमारा एक है न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहीं से कट करके चला जाएगा, जो फेज है हमारा स्विच बोर्ड तक डायरेक्ट वहाँ तक आपको ले जाना होगा एक तार, क्योंकि हमें इस बल्ब को स्विच के माध्यम से जलाना है, यानी ऑन ऑफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एक तार है यहाँ पर लगा करके उसको टेप लगा देंगे और उसको जो है कि इसके अंदर जंक्शन के अंदर डाल करके दो तार बना करके बाहर निकालेंगे, एक न्यूट्रल का हो जाएगा और एक तार जो है कि सीधे सीधे चला जाएगा हमारे स्विच बोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल कंप्लीट कर लिया और यहाँ से उसी तार को हमने डबल किया, और डबल करने का मतलब यह है कि आगे चल करके हम उसको काट भी देंगे, यानी जंक्शन के अंदर से निकालने के बाद उस तार को काटेंगे तो दो तार बन जाएगा। एक तार तो सीधे एक लंबा सा तार आप देख रहे हैं, तो वो तार सीधे स्विच बोर्ड में चला जाएगा और यहाँ पर जो न्यूट्रल वाला था वो पास में ही कट करके लग गया है। तो यहाँ पर हमने बोर्ड के अंदर जो लगने वाला मतलब यहाँ पर जो बल्ब लगने वाला है इसका कनेक्शन हमने बोर्ड तक कर दिया और यहाँ पर हम दोनों तारों को अलग अलग काट करके कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाएगा तो तीन तार हो गया, कुल मिला करके हमें तीन तार यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो तीनों तार है ये सीधे सीधे पहुँचेगा हमारे स्विच बोर्ड के पास, लेकिन जिस जिस रास्ते से हो करके जाएगा वहाँ वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच बीच में और भी स्विच आते मतलब और भी बल्ब आते जाएंगे, तो वहाँ पर तार बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों तार हम काटेंगे, काटने का मतलब ये नहीं कि अलग किया जाएगा, उसको हम जो है कि छील करके वहाँ फेज न्यूट्रल जोड़ेंगे, क्योंकि इस जगह से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं एक पट्टी गई हुई है, वहाँ पर हमें एक चार्जिंग वाला पॉइंट लगाना है और वहीं से दो तार जो है कि हमारे छत के लिए खिड़की से ऊपर चला जाएगा। तो दो तार नीचे चला आया फेज न्यूट्रल का, दो तार ऊपर छत के लिए चला गया, न्यूट्रल जो कटेगा वहां पर एक जो है कि बीच में और एक बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब का जो है कि तार एक बढ़ जाएगा यहां पर। तो टोटल हम देखें तो कॉर्नर पर हमको चार तार मिलने चाहिए, दो तो बल्ब के हो गए और दो जो है फेज न्यूट्रल के। यहां पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है यह बोर्ड हमारे स्विच बोर्ड के लिए मतलब कि ये चार्जिंग के लिए है, नीचे के तरफ लगा हुआ है, यहाँ बेड लगेगा या जो भी कुछ लगेगा, यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए एक बोर्ड चाहिए था, मतलब कि हमारे को कहा गया था हमको कि यहाँ पर एक बोर्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक बोर्ड दे दिया है। तो ये बोर्ड हमने यहाँ पर लगा करके कम्प्लीट कर लिया। यहाँ पर दो तार आ गए, ये दोनों तार डायरेक्ट आना चाहिए और फेज न्यूट्रल यहाँ पर होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने कम्प्लीट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर फिर एक
जंक्शन मिला, यानी एक कमरे में हमको तीन लाइट लगाना है। तो दो लाइट का तो यहाँ पर तार आ चुका है, अब हमको जो है ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ एक फ़ैन लगाना है और उसके लिए भी हमारा यहाँ से तार बढ़ेगा, यानी एक पंखे का तार बढ़ जाएगा और पंखे के तार के नीचे एक और जंक्शन आप देख रहे हैं वो बल्ब का तार हो गया। तो टोटल कितने तार हो जाएंगे, तो तीन तो बल्ब के तार हो जाएंगे जो दीवारों पर लगे हुए हैं, एक पंखे का तार हो जाएगा, चार हो गया, और दो जो है मेन फेज और न्यूट्रल हो गए, चार दो छः तार। यहाँ पर गिनती कर लेते हैं, हमारे स्विच बोर्ड के अंदर हमारे ये दोनों तार मतलब सभी तार आ चुके हैं। तो यहाँ नीला वाला दो तार आप देख सकते हैं फेज न्यूट्रल, और यहाँ पर एक रेड कलर का जो टेप लगाया हमने वो पंखे के लिए, बाकी तीन जो है लाइट के लिए है। पंखे के लिए अलग हमने इसलिए रखा क्योंकि हमको वहाँ पर रेगुलेटर का कनेक्शन करना है, इस वजह से हमने पंखे के लिए अलग तार मतलब उसमें टेप लगा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक कमरे का पूरा जो कनेक्शन है कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले तीसरे वाले का भी कनेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कमरा दूसरा कमरा दोनों का जो है कि कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, हमने जो भी कुछ लगाना था सब कुछ हमने लगा दिया है। यहाँ पर होल्डर जो है कि कसा जा रहा है, होल्डर यहाँ पर एंगल वाला लग रहा है क्योंकि हमको यहाँ पर नज़दीक में रोशनी चाहिए। तो प्रकाश यदि आपको नज़दीक चाहिए तो आप यहाँ पर एंगल होल्डर लगा सकते हैं, यदि प्रकाश आपको दूर में चाहिए तो आप वहाँ पर बटन होल्डर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब हम मेन बोर्ड का कनेक्शन करेंगे। यहाँ HT देख रहे हैं, HT में ऊपर के तरफ जो मेन फेज और न्यूट्रल आएगा केबल वहीं से इन होगा, और यहाँ से जो दो ब्लू तार है एक फेज और न्यूट्रल वो दोनों यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब आया तो इसमें हमने आइसोलेटर लगाया है, यहाँ पर इन किया और उसके बाद जो है कि ऊपर से आउट करके एक न्यूट्रल और एक फेज, न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल लिंक में जोड़ दिया, फेज को हमने यहाँ पर 2 MCB लगाया हुआ है दोनों के नीचे के तरफ आपस में शॉर्ट करा दिया है। तो 1 MCB जो है कि हमारे दोनों कमरे और ऊपर वाले कमरे यानी तीनों कमरों के लिए हो गया, और 1 MCB पावर सॉकेट के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड का कनेक्शन करेगा, यानी यहाँ पर दो सर्किट आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हमने तार लिया है ये एक सर्किट उसका न्यूट्रल और फेज हो गया, यहाँ पर काट देंगे ये अलग हो जाएगा। उसके बाद ये जो तार आप देख रहे हैं जिसमें रेड लगा हुआ है टेप वो दूसरी वाली सर्किट है, और ये जो है कि हमारे पावर सर्किट के लिए। तो यहाँ दो सर्किट यानी चार तार आपको देखने को मिल गया। अब इन दोनों सर्किटों में से एक एक जो फेज वाला तार होगा MCB के आउटलेट पर लगेगा, यानी जो ऊपर निकलने वाला तार है वहाँ पर लगा देंगे, और उसके बाद जो उसका न्यूट्रल होगा हम न्यूट्रल लिंक में जोड़ देंगे जिससे कि हमारा ये कनेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये MCB का कनेक्शन कम्प्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर दो और तार देखने को मिलेगा जो कि दोनों रेड है। अब ये दोनों रेड जो है कि किसका तार है, तो यहाँ वोल्ट मीटर वाला इंडिकेटर दिख रहा है उसी का एक फेज और एक न्यूट्रल है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर जैसे हम ऑन करेंगे तो जहाँ से लाइट आउट होगा आइसोलेटर में उस जगह पर हमको वो दोनों तार लगा देना है, ताकि जैसे हम लाइट ऑन करें तो हमारा वोल्टमीटर बताने लग जाए कि इधर के तरफ मतलब वोल्टेज कितना है, या इंडिकेटर भी करेगा यानी इंडिकेट भी करेगा कि यहाँ लाइट है कि नहीं है। तो इसका जो दोनों तार है हम जो है कि यहाँ पर आउटलेट पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर येलो तार दो देख रहे हैं, एक तार छोटा है जो कि इसका न्यूट्रल है मतलब जो छज्जे का है जिस पर दरवाजे का छज्जे पर जो लाइट लगा हुआ है उसका न्यूट्रल, और ये जो लंबा वाला तार देख रहे हैं वो जो है कि इसका फेज है। तो यह जो फेज तार है यहाँ पर बोर्ड के अंदर जो छोटा वाला बोर्ड लगा हुआ है वन वे स्विच मतलब एक ही स्विच लगेगा उसमें, तो उसके लिए दो तार आ गया यानी वो फेज आएगा इस स्विच बोर्ड में और यहाँ से जो है कि डायरेक्ट चला जाएगा हमारे छज्जे वाले लाइट में, यानी कि दरवाजे के ऊपर जो छज्जा है वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दो तार दिख रहा है, यहाँ पर हम वो स्विच लगा देंगे मॉड्यूलर वन वे मॉड्यूलर का जो है कि वन मॉड्यूलर का यहाँ पर एक स्विच लगेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ये मेन बोर्ड का कनेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारा कनेक्शन आपको इस तरीके से सीखने समझने को मिला होगा। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लाइट वगैरह सब कुछ दे दिया है। टेस्टिंग के लिए पहले हम मेन स्विच को ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 220
या 210, 11, 12 जो भी हमारे वोल्ट मीटर में है वो बता रहा है। यहाँ पर एक जो है सर्किट हमने ऑन किया जो 16 एम्पियर का है, जो कि पूरे मकान की वायरिंग है, और ये जो है कि 20 एम्पियर का है, इससे पावर सॉकेट का कनेक्शन किया गया है, यानी कि वो कोने में अलमारी के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बोर्ड लगा होगा, और ये छोटा सा बोर्ड नहीं है, बिल्कुल जो है कि 8 मॉड्यूलर का बोर्ड है, तो इसमें पावर सॉकेट ही है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों सर्किट हमने ऑन कर दिया है। अब हम चलिए देखते हैं कमरों के अंदर कि लाइट आ चुकी है या नहीं आई है। यहाँ पर बोर्ड के अंदर इंडिकेटर जल रहा है, एक एक स्विच को हम ऑन करके बल्ब को भी चेक कर लेंगे, यानी होल्डर बल्ब सब चेक कर लिया जाएगा कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर हमने एक स्विच ऑन किया, ये नाइट बल्ब लगाया था हमने, वो चल गया। उसके बाद ये LED है 9 वाट की, वो भी जल गई। उसके बाद ये पंखा भी चल गया, और उसके बाद जो है कि इधर एक और LED है, वो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जल गई। तो इस तरीके से पहले कमरे का तो पूरा कनेक्शन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा दूसरे कमरे के अंदर चलते हैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इधर की लाइट सब ठीक ठाक है या नहीं है। तो कनेक्शन बिल्कुल सही हुआ था, तो बिल्कुल सही ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक LED जल गई, उसके बाद यहाँ पर दूसरी LED जल गई, तीसरा जो है कि हमारा ये नाइट बल्ब है ये भी जल गया, और उसके बाद एक पंखे का स्विच है जो कि ऊपर पंखा लगा नहीं है, तो पंखा चलेगा नहीं। अब चलिए ऊपर के तरफ देख लेते हैं कि ऊपर का क्या जो है कि है, वो सारा सिस्टम ऊपर वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी कि हमें पूरा लाइट देने के बाद सब कुछ जो है एक बार चेक कर लेना होता है कि कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं कि गलती हो गया, कोई कनेक्शन हमने गलत कर दिया, या फिर किसी से गलत हो जाने की वजह से बल्ब नहीं जल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। तो इस तरीके से हमने नीचे कंप्लीट कर लिया। ऊपर के तरफ भी आप देख सकते हैं दो बल्ब है, दोनों जो है जल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर के तरफ ये जो है कि बोर्ड है चार्जिंग के लिए, और यहाँ स्विच बोर्ड, और बाहर के तरफ भी एक बल्ब लगा हुआ है। अब चलिए हम दरवाजे के तरफ देखते हैं, जो दरवाजे पर हमने जो छोटी छोटी लाइटें लगा रखी हैं वो जल रहा है नहीं जल रहा है, आप यहीं से देख सकते हैं दरवाजे के तरफ भी लाइटें जल रही हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा वायरिंग जो है कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।